धर्मांतरण को दिखाने वाली फिल्म द केरला स्टोरी ने कई सारी मुश्किलों को पार करते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। जब से निर्देशक सुदीप्त सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी आई है, तब से ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही है। फिल्म में अदय शर्मा की एक्टिंग को तो पसंद किया ही जा रहा है, वहीं आसिफा का नेगेटिव रोल निभा रही सोनिया बालोनी को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। एक तरफ जहां इस फिल्म को हिंदुओं का दमदार सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं विशेष समुदाय की तरफ से इस फिल्म को बैन करने की मांग भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोनिया बालोनी ने जब ऑफिस पर नेगेटिव किरदार निभाया तो उनके पेरेंट्स ने उनको जमकर फटकार लगाई, लेकिन अब खबर आ रही है कि आसिफा का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस सोनिया बालोनी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, तो कुछ लोग उनके घर से उनको निकलने की बंद करने की बात कर रहे हैं। दरअसल यह खुलासा सोनिया बालोनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में किया था। उनका कहना था कि द केरला स्टोरी का उद्देश्य केवल करोड़ों रुपए कमाना नहीं बल्कि केरल की बेटियों के साथ हुई वारदातों की सच्चाई को दिखाना है। कई लोग सोनिया को जान से मारने की धमकियां सोशल मीडिया के जरिए भी दे रहे हैं।